टाइम्स में आपका खैर मुकदम है। हम आपको बता दें कि भिवंडी निज़ामपुर इलाके से 17 साल से निकलने वाला तारीखी जुलूस जश्न ईद मिलादुलनबी का जो जुलूस है उसके रास्ते के सर्वे करने निकले भिवंडी महानगर पालिका के आला अधिकारी कर्मचारी और पुलिस महकमा के डिपार्टमेंट के साथ में जनाब मौलाना शर्जीत रजा उनके साथ में उलमा इकराम ने जायज़ा लिया पूरे रोड्स का, कहाँ कहाँ खड्डे हैं, कहाँ पर दुश्वारी आ सकती है, इस मामले को लेकर के आज यहाँ पर रोड का सर्वे किया गया। आवामी अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से जुलूस से ईद मिलादुन्नबी निकल रहा है, बहुत शान से निकल रहा है। 2020 और 21 में कोरोना के संगीन हालात के में भी जुलूस निकला था, परमिशन पुलिस ने दिया था, पुलिस का बड़ा अच्छा साथ रहता है, बहुत ताउन रहता है। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब और जितने अधिकारी है इनका भी बहुत कॉपरेट रहता है। तो जुलूस का रास्ता जो है कोटा गेट से निज़ामपुरा होते हुए वंजा बटे नाका होते हुए ग्राउंड माऊ भांजा पे ख़त्म होता है, तो माऊ भांजे की हालत बहुत ख़राब हो गई है, पूरी घास उग गई है, जंगल बन गया है और निज़ामपुरे की रोड बहुत ख़राब है और जगह जगह चैम्बर खुले हुए हैं और जुलूस में लाखों की अफराद में पब्लिक होती है, तो वो पब्लिक में दिखेगा ही नहीं जुलूस में कहाँ चैम्बर खुला है, गिर जाएंगे, कोई हादसा हो जाएगा। तो यहाँ आज जो है तमाम जिम्मेदारान की कमिश्नर साहब से एक मीटिंग हुई और कमिश्नर साहब ने जो है सिटी इंजीनियर गायकवाड़ को बुला के आदेश दिया कि कल सुबह विजिट करें और उन्होंने कहा कि रोड ही बना के देंगे, चैम्बर ही भर के देंगे और ग्राउंड को पूरा जैसे हर साल होता है वैसे करके देंगे। ऐसा यहाँ आज मीटिंग हुई और काफ़ी शानदार मीटिंग हुई और हर तरह से म्यूनसिपलिटी वालों ने, कमिश्नर ने, गायकवाड़ ने और दूसरे इंजीनियर ने और यहाँ पर जो है कुछ कॉर्पोरेटर साहब भी थे, अहमद बेकरी, इमरान वली मोहम्मद, मतलू सरदार, याकूब भाई, ये सब लोग साथ में थे। तो कमिश्नर ने सबके सामने वादा किया कि जितना टाउन म्यूनसिपलिटी का होगा वो म्यूनसिपलिटी जुलूस के लिए देगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से जुलूस से ईद मिलादुन्नबी निकल रहा है, बहुत शान से निकल रहा है। 2020 और 21 में कोरोना के संगीन हालात के में भी जुलूस निकला था, परमिशन पुलिस ने दिया था, पुलिस का बड़ा अच्छा साथ रहता है, बहुत ताउन रहता है। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब और जितने अधिकारी है इनका भी बहुत कॉपरेट रहता है। तो जुलूस का रास्ता जो है कोटा गेट से निज़ामपुरा होते हुए वंजा बटे नाका होते हुए ग्राउंड माऊ भांजा पे ख़त्म होता है, तो माऊ भांजे की हालत बहुत ख़राब हो गई है, पूरी घास उग गई है, जंगल बन गया है और निज़ामपुरे की रोड बहुत ख़राब है और जगह जगह चैम्बर खुले हुए हैं और जुलूस में लाखों की अफराद में पब्लिक होती है, तो वो पब्लिक में दिखेगा ही नहीं जुलूस में कहाँ चैम्बर खुला है, गिर जाएंगे, कोई हादसा हो जाएगा। तो यहाँ आज जो है तमाम जिम्मेदारान की कमिश्नर साहब से एक मीटिंग हुई और कमिश्नर साहब ने जो सिटी इंजीनियर गायकवाड़ को बुला के आदेश दिया कि कल सुबह विजिट करें और उन्होंने कहा कि रोड ही बना के देंगे, चैम्बर ही भर के देंगे और ग्राउंड को पूरा जैसे हर साल होता है वैसे करके देंगे। ऐसा यहाँ आज मीटिंग हुई और काफ़ी शानदार मीटिंग हुई और हर तरह से म्यूनसिपलिटी वालों ने, कमिश्नर ने, गायकवाड़ ने और दूसरे इंजीनियर ने और यहाँ पर जो है कुछ कॉर्पोरेटर साहब भी थे, अहमद बेकरी, इमरान वली मोहम्मद, मतलू सरदार, याकूब भाई, ये सब लोग साथ में थे।
तो कमिश्नर ने सबके सामने वादा किया कि जितना टाउन म्यूनसिपलिटी का होगा वो म्यूनसिपलिटी जुलू से के लिए देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है जुलूस से 18वां जुलूस के सिलसिले में जो है भिवंडी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस योगेश चौहान साहब के पास हम लोग पूरा जुलूस कमेटी आई थी और इमाम साहब ने टाइम लेके दिया था। तो यहाँ पर डीसीपी साहब ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया, बहुत शानदार गुफ्तगू हुई और उन्होंने फौरी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर को फ़ोन लगा के सब काम का आदेश भी दिया और फिर मेरे सामने ही उन्होंने जो है पूरी फाइल मंगा के दलवी साहब से पूरा आदेश भी दिया। उन्होंने कहा मैं खुद सर्वे करूंगा और उनको बताया गया कि भाई पब्लिक 2 से 3 लाख रहती है, उनको मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, पुलिस का जैसा लगेगा वैसा पुलिस आपके साथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 18वें जुलूस के सिलसिले में भिवंडी डीसीपी साहब से मीटिंग बहुत शानदार रही, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।